मैं वैभवी भाविक आज आपको अलग टाइप का कैनवास बेस बनाना सिखाऊंगी, जो कि ऐसी थैलियां जो निकलती है वेस्ट, उसका मैंने ये साइज का कट कर लिया। दो लेयर है ये, टोटल दो लेयर है। इसको मैं, ये जो हमारी किचन की स्ट्रेनर जो रहती है खाने वाली छेद वाली, उसी को लिया है। उसके नीचे मैंने ये रखा है, ये जो फ्रूट की ट्रे आती है एप्पल वगैरह रखने के लिए फ्रूट मार्केट में, उसी का ही पल्प किया है। अब ये पल्प को मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ इसके ऊपर ही। ये पल्प पानीदार होना चाहिए। अगर ये जाली को नहीं रखते हैं तो भी आप इसका हैंडमेड पेपर बेस बना सकते हो, बट ये जाली रखने से थोड़ा ये ज्यादा टिकाऊ हो जाएगा। हर तरफ इक्वल अप्लाई करना है हमें। और ये नीचे देख सकते हो कि पानी अलग हो रहा है। इसको तब तक हमें नहीं हटाना है जब तक ये हमें अच्छे से ये फैल ना जाए, कि अगर ये पानी से पानी निकल जाएगा पूरा का पूरा तो ये फैल नहीं पाएगा। अब ये अच्छे से फैल गया है। अब क्या करूंगी, इसको हटा दूंगी और नॉर्मल रूम टेम्परेचर या थोड़ी सी हवा आती हो, बालकनी में आप रख सकते हैं, कड़ी धूप या कड़ी हवा आती हो, तेज हवा आती हो, ऐसी जगह पे नहीं रखना है। ये सूखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बेस बनके हैंडमेड पेपर का बेस कैसा लग रहा है।